ना जवाब, ना जवाबदेही, ना ही स्पष्टीकरण, ना ही सांत्वना, ना ही पुनरावृत्ति रोकने का भरोसा, ना रोडमैप और ना ही मासूमों की लापरवाही व कोताही से जान से जाने वालों का दुख। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कुमार। बात कर रहा हूँ बिहार में लू और चमकी बुखार से हो रही मौतों का। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 400 मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ देश में नेता अभी भी बीते लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अभी भी जीत का जश्न मना रहे हैं। पहले आप देखें कल बिहार में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे से जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में मौतों की क्या जवाबदेही है, तो मंत्री जी सवालों से बचते नजर आए। यहाँ हमारे संवाददाता शिवन जायसवाल मौजूद थे। पहले आप यह वीडियो देखें अंत। सर मैं बुलाऊंगा, ऐसा मत कीजिए, एक बार पूरा जवाब दे दीजिए सर, एक बार पूरा जवाब दे दीजिए, पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ देंगे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री देंगे, हम बुलाएंगे। केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। आप भी गए थे सर एसकेएमसीएच, मैं बुलाऊंगा, बताऊंगा बच्चों के लिए, कब बुलाएंगे, किस तारीख, अभी नहीं बताऊंगा, कब बुलाएंगे, जब बुलाऊंगा किस तारीख को बुलाएंगे, अब जब बुलाऊंगा बताऊंगा। 150 से ज्यादा बच्चे मर गए, मैं बुलाऊंगा बताऊंगा, 150 से ज्यादा मर गए। अरे गिराइए मत बाबा। चौबे जी बच्चे मर गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, देखो आप केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। बाबा मंत्री हैं आप 2014 से 19 तक मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे बाबा। बाबा आपको क्या लगता है? केंद्र मंत्री होने सर, आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। चौबे जी आप गए थे। किसको सॉरी बोल रहे हैं, हमको या बच्चों को? जो 150 बच्चे मर गए उनको सॉरी बोलिए। तक आपने देखा कि किस तरह स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी सवालों के घेरे से बचते नजर आ रहे हैं। उनके पास ना जवाब है, ना जवाबदेही, ना ही स्पष्टीकरण, ना सांत्वना, ना पुनरावृत्ति रोकने का भरोसा था। आपको बता दें कि हमारी टीम की तरफ से शिवन जायसवाल बिहार में हैं, जो कि लगातार बिहार में मचे हाहाकार की अपडेट दे रहे हैं। शिवन जायसवाल ने हमें आंकड़े अभी तक के दिए हैं, जिनके अनुसार बिहार में अभी तक फ्लू और चमकी बुखार से 400 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, जो कि लगातार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी समय में मौसम खराब होगा तो बाढ़ आएगी, जिससे भी मौतों का सिलसिला बढ़ेगा, जिसको लेकर बिहार सरकार कतई गंभीर नहीं है, ना ही पूर्व कोई व्यवस्था है। हर साल की बाढ़ में कई लोगों की जान चली जाती है, सरकार को अपना रवैया बदलना होगा, तभी हम एक अच्छे भारत और एक सच्चे भारत की कामना कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बिहार में आए दिन मौतें होती रहती हैं, कभी कभी बुखार तो कभी बाढ़, ये समस्याएं आम हो सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल खास हैं। बिहार में मौसम खराबी के बाद जो बाढ़ भयंकर आती है, उससे विकराल जो मौतों का सिलसिला होता है वह थमता नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी यह होना होगा, लेकिन सरकार को इसके लिए पूर्व सचेत होना पड़ेगा, इसके लिए पूर्व व्यवस्था जुटानी होगी, जिससे बिहार में यह सिलसिला थम सके। आप देख रहे थे दर्शक 24। आज की रिपोर्ट हम इसलिए लेकर आए कि आखिर कब जागेगा यह सिस्टम और यह कब जागेगा देश। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।